इधर मैच चल रहा है सबका। अरे यार क्या, और इधर मम्मी की बन रही है अब चाय। सब कोल्ड कॉफी पी चुके हैं, मम्मी और मैं पियेंगे चाय। इस बार भी यूज हो गए, आज आप बच गए। मैंने रील शूट करवाई, उसमें मैं हल्की सी मुस्कुरा दी। अगर वो रील फ्लॉप हो जाती तो पापा पीछे पड़ जाते कि तूने एक्टिंग अच्छी नहीं करी, कि तू हंसी तो रील अच्छी नहीं हुई। नहीं, और जो 20,000 व्यू वो बच गई। भगवान, 20,500 बच गई। अगर कल शाम तक 1,00,000 भी है ना, तो फिर तू गई, फिर तू गई। वही डांस करते करते ही बांटूंगे दामाद। आ तेरा दामाद जी बताऊ। मेरी चाय आ गई, रात के 11 बज रहे हैं। चाय पियोगे रात को नींद आ जाएगी? अरे हमें वैसे भी नहीं आती बिना चाय के भी। और मैं तो अभी एडिटिंग में तो टाइम लगेगा, मैं 2 व्लॉग्स निकालूंगी, एडिटिंग करूंगी ना। तो रात को चाय पीते भी नींद नहीं आती। अरे हम इस आज हमने पी नहीं है मम्मी और मैंने पूरा दिन बैठ के, तो जब हम पीते नहीं ना इसलिए निकला सारा दिन। हाँ तो हम पीते हैं, कोशिश करें जल्दी आ जाए। शुरू हो चुके हैं यहाँ डांस प्रैक्टिस, प्रथम जी आ चुके हैं हमारे कोरियोग्राफर। जबरदस्त कैच। नहीं है टच, नहीं है, नहीं है टच। ओ नेक्स्ट लेवल कैच बोल रहे हो। ये देख रहे हैं, मुंह देख सबकी। हां आउट है। अलाउड नहीं है ना, खड़े खड़े डाल सकते हैं, फुल ऑन डालने का मतलब है फालतू बाकी खड़े खड़े भी डाल दे ले मान ले। चल भाई डाल, टीम में गिर लिया आने पार्टी ने। दिस इज नॉट ना, कुछ तू बता दे। क्या तू बता दे, सिंगल रन ने जीत गई। ये वो इंडिया जीत गई, जीत गई वो। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स, मेहंदी का भी मेरा रंग आ चुका है और आज है सगाई का डे, तो आज जाएंगे हम लोग सगाई में और बहुत जल्दी ब्लॉग चलेंगे रोके का, सगाई का। उसके बाद आप लोग देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो अब जाएंगे फटाफट से सिसरी के, हमने पार्लर के लिए बुला लिया है किसी को, मेकअप कराएंगे, वहीं से तैयार होकर ले जाएंगे। खाल वगैरह आप लोगों ने देख लिया, सब कुछ तैयार हो चुका है। ये भतीजे भी आ चुके हैं काम करने के लिए, बहन की शादी में काम करेंगे यहाँ पे। और ये चल रहा है हमारा ब्लॉग।
देखी मेरी डांस परफॉर्मेंस, मैंने रात को प्रैक्टिस करी थी। मेरे को नींद में लगा भूकंप आ रहा है, न्यूज में है प्रथम आज कोई भूकंप आया रात को। तुम्हारे खुद के बस की तो हिलना है नहीं, अगर कोई डांस कर रहा है तो तुम्हें भूकंप लग रहा है। और तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे मायके वालों के सामने बुराई कर रहे हो मेरी? और तू आज नेल वालों के जाएगी, हाथी के साइज के कभी नेल बने हैं? वहाँ होंगे मेरे साइज के भी, मेरे से मोटी मोटी लेडीज आती हैं उनके यहाँ। मैंने हथनी को तो नहीं लगाते देखा कभी नेल। तुम्हें शर्म नहीं अपनी बीबी कैसे बेइज्जती करते हो? फ्रेंड्स कमेंट करके बोलो कि गोयल साहब ढंग से बोलो अपनी बीबी से, ये कोई तरीका है बोलने का? तेरे को एक नेल इतना बड़ा आएगा प्रथम है के इतने बड़े नेल का? यही बीवी है जो 29 साल तुम्हें झेल गई। पता नहीं कौन सा नेल वाला है नया के इतने बड़े बड़े नेल भी मिलते हैं। अरे सुना तुम्हारे यहाँ घर के आसपास हल्दीराम भी है? तो तुम्हारे घर के आसपास भी है? मार तो नहीं थे, सुभाष पैलेस पे दूर है। अच्छा हाँ है, दूर है थोड़ा। अच्छा अच्छा, बंद भी जल्दी हो जाता होगा 8 बजे? फूफा जी को 10 रुपए दे देना प्रथम, 10 रुपए का हल्दीराम पे कुछ नहीं आता। वो तेरा भतीजा है 10 रुपए देगा, मेरा भतीजा नहीं है जो निकाले 100 का दे दे। ओहो वो तेरा भतीजा है, 500 दे, तेरा भतीजा है तेरा, 10 रुपए देख बहाना मार दिया, 500 की उम्मीद है, 10 देवे नहीं 500 निकाले नहीं। ये बेचारा नन्ना सा बच्चा तुम्हें यही मिला है? जाके अपने ससुर जी से लूटो मुझे। अरे वो इसका दादा है। वो 10 पैसे का सिक्का ना निकाले, 10 रुपए की बात है यहाँ तो। इतनी बड़ी पली पलाई बेटी दे दी तुम्हें, जो आज तक भुगत रहा हूँ। हाँ आज तक भुगत रहा हूँ। तुम्हें सिक्के चाहिए 500 का, इकन्नी चाहिए, इतनी सी आई थी यो हाथी बना दी तुमने तो बना दी। आशु भी आ गया है बहन की शादी के लिए काम करने के लिए, कि चाची कुछ काम बताओ। कहाँ पे है? ये तैयार हो रहा है हरे भरे का थाल, ये पुदीने की जुटियां ले लिया हमने, तो ये गणेश जी इसके साथ में लगाते हैं, और ये भावेश गोयल जी कर रहे डेकोरेशन। कल उस भैया से इसलिए नहीं कराए, वो बोला कि एक दिन में जो ये पुदीना काला हो जाएगा, तो आप लोग खुद कर लेना, क्योंकि भैया हमें सामान दे गए थे, तो इससे कर रहे हैं थाल तैयार। प्रथम काम करो बेटा, मोबाइल छोड़ दे, ये इधर थैली पकड़े थे। फ्रेंड्स कल मेरे नेल्स रह गए थे कराने के लिए, तो मैं जा रही हूँ आशु के साथ में, फटाफट चलती हूँ नेल्स करा देती हूँ। उसके बाद पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, खड़ा भी नहीं हो जा रहा, तो देखती हूँ अगर डॉक्टर मिल जाए तो डॉक्टर को भी दिखा के आऊँगी अपना पैर, उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट कराऊँगी किसी हड्डी वाले डॉक्टर को अच्छे से वो दिखा करके। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से चलते हैं। और फ्रेंड्स ये थाल हो रहा तैयार, अब मैं जा रही हूँ, ये कौन दिखाई नेल्स कराने के लिए, अभी अभी शॉप खुली है तो फटाफट से नेल्स करा लेते हैं, सिंगल कलर में प्लेन कराने हैं। चलिए मैं 2 मिनट पहले आई तो खुली नहीं थी, फिर वो बोले खुल गया, बैग से खोल दिया उन्होंने, आप वेट करो अंदर आ जाते ना, इधर से आ सकते हैं। अच्छा मुझे नहीं पता, मैं तो सीधा यहीं से आती हूँ हमेशा, फिर मुझे वहाँ शॉप पे काम था, मैं वहाँ चली गई, सगाई के लिए पता करना था मुझे, अभी शाम की सगाई भी, उनका टाइम भी नहीं था आने का, उनका सुबह सुबह चलूँ खाली मिलेगा। रील्स वैसे हमारा यूट्यूब चैनल भी है, उस पर हम ब्लॉग्स डालते हैं 18 मिनट 20, ये यूट्यूब के लिए बन रही है। पसीना की वजह से मेरे को पसीने ना आते ज़्यादा। डन, बाकी अब कोई काम नहीं, आज संडे है, मेरे को ध्यान नहीं था कोई भी डॉक्टर नहीं मिलेगा संडे को। हेलो भैया,
इतनी कमजोर कैसे कि मैं तो पहचान ही नहीं पा रही तेरे को। और सुनाओ क्या हाल है? मैं तेरे को पहचान ही नहीं पा रही थी, पतली कैसे हो गई? तो फ्रेंड मैंने गोल्डन कलर करा लिया है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा कलर कराऊं, तो ये करा लिया। चलिए अब चलते हैं, फ्री हो गई, नेल्स की टेंशन लगी हुई थी क्या ही नेल्स कराने हैं, नेल्स कराने हैं, रिक्शा कर ली है। अब मैंने किसको क्या बुलाऊं स्कूटी के लिए, अब घर जाऊंगी। उसके बाद डॉक्टर से जाना था, पर डॉक्टर आज संडे नहीं था, तो जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं हेमराज उनसे पता करती हूँ, शायद वो हूँ, तो उनसे कोई टेम्परेरी दवाई लिखवा लूँगी पेन की, ताकि मैं रात का फंक्शन इंजॉय कर सकूँ, फिर उसके बाद देखूँगी। आशु बेचारा आ गया मेरी हेल्प के लिए कि चलो चाची मैं डॉक्टर के लिए चलता हूँ। अब जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उनके यहाँ लगवा के आऊँगी इंजेक्शन, इंजेक्शन से आज का फंक्शन निकल जाएगा। फिर फ्रेंड्स कोई डॉक्टर बताए मुझे नसों वाला हड्डियों वाला अच्छा सा, जिससे मैं अपने पैर का ट्रीटमेंट करा सकूँ। तेरे को भी दुखी करा मैंने दोबारा। अरे चल कौन है? मॉर्निंग हो चुकी है एंड भावेश से मैंने कंफर्ट ड्रॉप्स मंगा लिए, क्योंकि मुझे डाउट है मेरे लेंसेज लगने का, मुझे बस एक ही टेंशन है लेंसेज लगने की बस। सो कंफर्ट ड्रॉप्स मंगाई है लेंसेज लगने के बाद डालने के लिए होपफुली, एंड एंजल ऑलमोस्ट आने वाली है आधे एक घंटे में, मैं नहाने जाऊँगी और फिर निकलेंगे मौसी के घर के लिए। मम्मी मुंबई गई हैं हेमराज अंकल के यहाँ इंजेक्शन लगवाने, उनके पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मम्मी एक डॉक्टर से टिक्के इलाज करा लो। तो फ्रेंड डॉक्टर साहब ने दे दिया मेडिसिन, साथ में लगा दिया इंजेक्शन, ताकि मैं आज का अपना फंक्शन निकाल सकूं। तो चलिए मेडिसिन उन्होंने कहा दर्द हो तो खानी है, एक रात को खानी है, रात को तो शायद मैं नहीं खा पाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स ये सारे नमूने यहाँ बैठे हुए हैं, और एंजल दो मैं नहा चुकी हूँ घड़ी घड़ी पहले, क्योंकि ये मुझे पहनी है, टाइम हो रहा है ढाई, थोड़ा बच्चे एंजल आ चुकी है, मैं मम्मी जा रहे हैं। कहाँ भावेश? घर का घर घर पे आशु कौन बैठा है? मैं क्यों लगाऊं, चलो हम तो जा रहे हैं। हाय गाइस, हाय एंजल, क्या हाल चाल? आपकी हेयर ड्रेसर नहीं आई? मौसी नमस्ते, मौसी नमस्ते, मेरी राधी रेडी होने कहाँ गई? रेडी होने आपके फूल एक दो एक्स्ट्रा मंगा लेंगे, नीड पड़ेगी तो जिसके पे लगवाना होगा वो लगवा लेंगे। हाँ ठीक है, उस पे चलो बेबी ब्रेथ लगा लेना, नीड पड़े देख लेना, मौसी मेन है। प्रथम तेरा भी मेकअप मुकअप करा दे। ये तो ऐसे ही आ गया, हमने कहा आ जाएगा, काम वाम होंगे तो करवा देगा, तो भावेश के साथ लगा हुआ था ये। मेरे डब्बे खाली दिए बड़ी बहन ने, सारे डब्बे खाली, छोटी बहन ने कुछ रख के लाई है, शर्म आनी चाहिए तेरे को। इधर मेकअप होने वाला चालू, सबसे पहले हो रहा है ममता मौसी का मेकअप। इस रूम में सारा का सारा पैकिंग का सामान सेट हो चुका है, पैकिंग मौसी को बहुत पसंद आई है, तो ये देखो ये स्टैंडिंग वाली, और पैकिंग वाले का नंबर मैं पक्का से पक्का आप लोगों को दे दूंगी। सो पैकिंग बहुत ही अच्छी हुई है, एकदम टिप टॉप। लागे सबको प्यारे हो, सबसे बेस्ट मामा मामी का है। अरुण ने तो बच्चों के साथ किया है, वो तो बिल्कुल सलमान खान लग रहा है, सलमान खान लग रहा है बिल्कुल, करता हुआ। मामा डांस अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, इंटरेस्ट से कर रहे हैं, पूरा मामा दिल से कर रहे हैं। राजेश जी वहाँ के लिए बैठे, गेट बंद करो, हमारी कूलिंग निकल गई सारी। एक दो तीन चार, एक जी आई पाँच, भागा चाय। अरे मेरी साड़ी का क्या हुआ? अरे ये छोड़ दे, साड़ी करनी थी। मौसी आपकी दोनों बहनें फुल बुराई करती है आपके ना होने पे, स्माइल नहीं करती। तो मौसी की वीडियोस में भी आता है कि मौसी बहन, हाँ और तभी मौसी से ये नहीं होता। मौसी क्यूट लग रहे हो। कितने की आई? 50 रुपए दो गुलाब। और ये तो डायपर बैग में नहीं था,
खा रहे मेहमान नवाजी भी यहाँ के भी लग गए। और सुनो सफाई एक बार पूछ तो लेता प्रथम से इलायची की बोतल रखी है सुन दीक्षा को दे दियो मौसी ने क्या करा कल तो दिखी थे इलायची झूठी मेरे घर पहुंची होती ना वीडियो में दिख रही होती मुझे तो कहीं ना दिखी मेरे घर में इलायची वहाँ से डांस प्रैक्टिस करके आए थे खाना कोई नहीं खाएगा मैंने गोलगप्पे खा लिए बहुत ज्यादा इधर देख आ जाएगी पूरी तो हेलो गाइस वी गोना स्टार्ट विद अ गोल फाइंडिंग नोट जो कैसा मेकअप चाहिए अच्छा ठीक लगे बस ब्राइडल से कम वैसे सबसे बेस्ट चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं जी पता हाँ यू नेवर नो हमारा चेक करते हुए हम अभी भी रेगुलर है हम दिन में दो 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 डालते हैं दो दो जो लोग रुक जाते हैं ना किसी को चीज में यार मामा मामी कब तक आ रहे हैं 5:30-6 बजे कह रहा था मेरे को तो तैयार हो रहे हैं आपने ऐसे बाहर निकलना हां ओए प्रकाश क्या खा रही ला दे दे ना मात्रा मेरा जो भी कम है ठीक है 11 मोदी आपका तो ग्लूक्स के लिए कुछ लेना कर दिया मना कर दिया समोसे को कर दिया आज अगला भी अभी अभिषेक आ रहे हैं यही खा ले आज हां ठीक है फिर कौन है ऊपर देखो आ रहे हैं जा रहे हैं भैया जा रहे हूं शादी के बाद डालेगी सारी वीडियो मम्मी ने बोला शादी के बाद डालियो बहन रिश्तेदारी में ऐसे ही रहता है इस फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड क्योंकि अभी मैं बहुत टायर्ड हूँ एंड अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 4:30 बज चुके हैं फिर स्केड्यूल करते करते मुझे सुबह के 5 बज जाएंगे तो आगे का व्लॉग मेरे में अभी एडिट करने की हिम्मत नहीं है तो सुबह 8 बजे यही व्लॉग आएगा इतना ही आएगा नेक्स्ट व्लॉग मैं कोशिश करूँगी कि मैं 1-2 बजे अगर मतलब सो के मैं उठ गई क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हूँ तो फिर उसके बाद मैं 6 बजे डाल दूँगी शाम को पॉसिबल हुआ तो उसमें आपको हम लोगों के फुल लुक देखने को मिल जाएंगे सो फिलहाल करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड एंड जब भी मैं रोका सगाई व्लॉग डालूँगी तो मैं डाल दूँगी यार बस थोड़ी सी चीज़ें आप सब समझदार हो ही सबको सारी चीज़ें पता ही होती हैं सो बस एक बार ही होता है कि यार सारे फंक्शन अच्छी तरह हैप्पीली हो जाएँ एंड फिर उसके बाद व्लॉग्स का क्या है मैं नहीं चाहती कि हमारे व्लॉग्स के चक्कर में हम किसी को परेशान करें या मतलब 100 चीज़ें होती हैं तो बस इसलिए मैं हर व्लॉग में ये चीज़ रिपीट करूँ क्योंकि मुझे कमेंट्स नहीं चाहिए कि दीक्षा आपने तो बोला था आप सगाई के नेक्स्ट डे डाल दोगे दीक्षा आपने तो ऐसे बोला था दीक्षा आपने तो वैसे बोला था आप तो व्यूज़ के लिए करते हो आप झूठे हो आप ये हो आप वो हो तो मुझे फालतू के कमेंट्स नहीं चाहिए इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि मम्मी ने मेरे को मना कर दिया था कि दीक्षा रहने दे कोई बात नहीं और 10 दिन की बात है तो 10 दिन बाद डाल दियो हम नहीं चाहते कि हमारे व्लॉग्स के चक्कर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो मैं कहा चलो ठीक है मम्मी जैसे आप बोलते हो वैसे कर लेते कोई दिक्कत नहीं है बाकी मैं वैसे सारे फंक्शंस के जैसे हम जाएंगे और बाकी जो भात वात होगा और वो क्या कहते हैं
हाथ होगा और क्या होता है लगन होगा, वो सब मैं शूट करूँगी और वो सब मैं हैंड टू हैंड डालती रहूँगी। बट बस रोका, सगाई एंड शादी, ये तीनों व्लॉग्स मतलब ये तीनों फंक्शंस मैं डालूँगी आफ्टर शादी। तो मैं शादी जैसे 11 जुलाई की है तो मैं 12 जुलाई का स्केड्यूल कर दूँगी, तो 12 जुलाई से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा।